भोपाल के शाहपुरा इलाके में फर्जी तरीके से जमीन बेचने का मामला सामने आया। शातिर जालसाजों ने करोड़ों रुपए की जमीन को फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाकर उसे बेच दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बाबू खान बाबड़िया कला में रहते हैं। उनके पिता के नाम से उनके पास करोड़ों की जमीन थी, लेकिन तेजपाल पाटीदार और सलीम खान ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पहले तो जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फिर उसे बेच दिया। ताकि फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर दो लोग हैं अभी फिलहाल, उसमें अन्य आरोपी जांच में लेंगे हम। उसमें एक तेजपाल पाटीदार है, एक सलीम है। इनके द्वारा दुरुपयोग करके, जबकि मृत्यु हो चुकी थी उस व्यक्ति की, उसके बाद भी उसके द्वारा उस पावर ऑफ अटर्नी जब मृत्यु के बाद शून्य हो जाती है, उसका उपयोग करके इस तरह एक वो किया, यानी रजिस्ट्री कर दी। इसके कारण में सामने वाले जो व्यक्ति दोषी हैं उनके विरुद्ध 420-406 का केस रजिस्टर्ड हुआ है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की है। सर कितने रुपये सर लोग रजिस्ट्री होना? हाँ, ये इसमें दो तथ्य बहुत स्पष्ट हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पावर ऑफ अटर्नी एज पर लॉ शून्य हो जाती है। उसके उस घटनाक्रम में उसका लड़का भी इन्वॉल्व है, जैसे तो पता ही था, कम से कम साथ में और भी लोग इन्वॉल्व हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, दो नामजद हैं, अन्य लोग जो विवेचना है उनको आरोपी बनाया जाए। ठीक है, उसकी